समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव की हालत अब सामान्य है। दरअसल ज्यादा उम्र और पेट संबंधी समस्या की वजह से मुलायम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि मुलायम सिंह यादव को तकरीबन 5 दिनों से कब्ज की समस्या थी। उन्हें बुधवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। एंडोस्कोपी के जरिए उनका उपचार किया गया, जिसके बाद अब उनकी स्थिति सामान्य है। इस समय वह डॉक्टरों की देखरेख में है। उन्हें आज यानी शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव मुलायम सिंह से मिलने अस्पताल पहुंचे। साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक शिवपाल यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह का हालचाल लिया। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री पारस नाथ यादव जी ईश्वर की अनुकंपा से स्वस्थ हैं और अस्पताल में स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह के पेट में शिकायत का मामला पहले भी आ चुका है। पिछले साल दिसंबर महीने में पेट की समस्या की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था। इससे पहले नवंबर 2019 महीने में भी मुलायम सिंह यादव को पेट दर्द की शिकायत के बाद लखनऊ के PGI अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि ये रूटीन जांच थी, इस बात की जानकारी अस्पताल के स्टाफ ने दे दी थी। जून 2019 में भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उन्हें यूरिनरी रिटेंशन की शिकायत बताई गई थी।